ऑनगोइंग हो, धीरे धीरे खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, अच्छा है। बाकी चल ही रहा है 7+ पे, आप कहाँ कहाँ अच्छा देख रहे हो। उनका गेम है, उनका खेल है, जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो उन्होंने की होगा अच्छे के लिए की होगा, बट आया तो कॉमनर जो मेरी वो जरूरत थी, उन्होंने वो जरूरत पूरी करी, मैंने अपना टैलेंट दिखाया एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो ठीक है जो है उनका डिसीजन है, बट आई ऑलवेज सपोर्ट कॉमनर। बट आपको लगता है कि लोगों की जो नोकझोंक होती थी कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज की, वो ऑडियंस देखना एक्चुअली पसंद है? नोकझोंक जो भी वहाँ अंदर जाता था ना, वहाँ भी जाके वो एक लेवल का हो जाता है, चाहे कोई भी वो सारे सेलेब बन जाते हैं, जो पीपल आर वॉचिंग इस कोई भी हो, चाहे वो सेलेब हो चाहे वो कॉमनर हो, पर वहाँ पे जब अंदर जाते थे तो लोग सबको देखते, तो वो सब एक इक्वल थे। ऐसा ही है, अगर सेलेब जाते हैं कॉमनर जाते हैं, सब अंदर जाके जो प्रूव करेगा अपने आप को वही ऊपर जाएगा, वरना माशाल्लाह निकालने में टाइम नहीं। ये उनका कॉल है और ना हम बता सकते हैं, जब आएगी तो इंटरेस्ट की स्पेशल अपीयरेंस मैं कभी ना नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आ रही हूँ, बाकी उनकी मर्जी है, जो करेंगे हम कभी ना नहीं कर सकते। रनिंग प्रोजेक्ट कोई अभी? रनिंग प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ तुम 7+ पे जरूर देखिएगा 9 बजे आप भी प्लीज। थैंक यू।
कि इतना साल बीत जाएगा और आगे के दो साल हम लोग सेलिब्रेट करें। मुझे याद है कि जिसे नहीं की लॉन्च पार्टी थी ना दो साल पहले, तब शायद आप ही भाई साहब थे और आप ही लोग थे। आप लोग ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप क्या सोच के आपने ये बनाया है, क्या विजन है, क्या थीम है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो शायद मैंने तब जो जवाब दिया था वो अब आप लोग उस पर मानते हैं कि लोगों ने बहुत लाइक किया, प्यार दिया। एक से दो हुआ, दो से तीन होगा, तीन से चार होगा, एच सी और कितना बढ़ते हैं। जितने भी लोग आते हैं हमारे लिए थैंक यू टू एवरीवन। नया कुछ सोचा है, मतलब बैरल मेंशन भी आ गया है, बैरल भी है, और आगे क्या कुछ होने वाला है? अभी ये न्यू ईयर के पहले बहुत सारे नए सरप्राइजेस है, सो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड वन बैरल जिसका ऑलरेडी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बैरल पुणे गोवा में वी हैव बीन मेकिंग अ रिसोर्ट दैट विल बी गोवा लाइक बैरल बीच रिसोर्ट विद अ बीच नाइट क्लब एंड ऑल। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, धीरे धीरे जब जो लॉन्च होगा तो आप लोग करेंगे पता चलेगा। बहुत दिनों के बाद बैरल की सेकंड ईयर पर आप आए, मैं आती नहीं थी, लेकिन आप लोग हर साल एक ही बार आप लोग मिलते हैं, इसलिए मैं आई हूँ। बहुत खुश हूँ कि ये सुबेद का है सारा, और इनको ही बधाई देने के लिए मैं आई हूँ। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन से सुबेद अचीवमेंट के प्रीमियर हैं, चार सारे रेस्टोरेंट और क्लब्स हैं इनके, और मैं इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग आई नो ही टेन ईयर था। I thank her for coming, she's always supported me. Yeah, this is great, bahut hi quality wala jo bahut kam quality places hota hai where we want to go as one place. Aur night kitna masti karte hain aap log, matlab night mein hum log nahi bata sakte na dada wo se hum log masti karte hain, hamare liye hamara bhi lage na party karne ka, hum kaam mehnat to itna karte hain to party to karna chahiye fir। ओके मैम, रंजी ने लगातार बात करी, एक आ रही की बात की जा रही है, साथ में सेलिब्रिटी आए हैं, 2700 प्लेट आने जा रहे हैं, उस पर आप क्या बताया जाएगा? आज ही पूछ लो, आज आज सुन कर हमेशा ही अलग एक्सपीरियंस करता है, एंड आई होप गाइस आल्सो एंजॉय ऑल दिस
है जहाँ पे मैं कहीं पार्टी करने के लिए, दिस इज कंपनी प्लेस जहाँ पे मैं हमेशा आती रहती हूँ। टिकटॉक में भी आप काफी धमाल मचा रही हैं। आजकल 3 का नया सॉन्ग आया, आपने देखा वो कितना पसंद आया आपको? सी नो टू ड्रग्स के बाद कितना पसंद आया आपको? मुझे अभी शायद मैं इतना ज़्यादा टिकटॉक फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू गो ऑन टिकटॉक एंड मेक वीडियोज, बट अभी नहीं हो पाता बिकॉज़ आई एम बिजी नाउडेज एंड होता रहता है। कैरी ऑन कैरी ऑन, कंटिन्यू कंटिन्यू। या खबर पेटी पर नीचे है तो अभी धीरे धीरे बस में जाना शुरू। अरे छोटो तो नीचे है भाई, पसंद आया आपको? देखा होगा आपने जीरो सेवन हाँ नया सॉन्ग है। मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट इट इज ग्रेट आइडियाज मैम। और आप वो टिकटॉक पैर क्यों छू रहा है? मैं जब दुबई में भी पैर क्यों छू रहा भाई? दुबई सब लोग वहाँ पे मुझे एज एन एक्टर नहीं जानते, मैं वहाँ टिकटॉक पे ऊपर पीछे पीछे जा रही हूँ सब लोग। टिकटॉक बहुत ज़्यादा अन्ना जी एक आईडी देना, टाटा स्काई सीनियर, एक मिनट नाम। जी जगह आई और इस जगह ने तबाही मचा दी, पूरा बॉलीवुड ले लिया इस जगह ने, पूरा टीवी इंडस्ट्री ले लिया, पूरा एंटरटेनमेंट ले लिया। मुझे याद है आई थिंक मैंने परफॉर्मेंस चालू किया था जब हमारी लाइफ टाइम चालू हुई। आई थिंक 2 साल में आई थिंक पैरल ने बहुत सारी कामयाबी ले ली एंड मुझे लगता है पैरल अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। सबका प्यार है, रोहित अनिल भाई सुबेद भाई सभी का प्यार है एंड श्योर आगे पैरल 5 साल बाद हम लोग वापस मिलने वाले हैं। आई थिंक अगला गाना मैं रिक्वेट कर रहा हूँ, उसकी कुछ लाइन्स गाता हूँ, आई थिंक परफेक्टली जाएंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको। बैरल के सेकंड एनिवर्सरी पहुँचे हैं आप। सी अनिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड सो इज सोए, सो उनके दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। 2 साल आजकल मुंबई में किसी भी जगह को चलाना मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, सो जब भी उनकी कोई सेलिब्रेशन होती है तो आई ऑलवेज कम एंड सपोर्ट देम बिकॉज दे आर रियली नाइस। नाइट पार्टी में कितना एंजॉय करते हैं, मतलब कितनी नाइट पार्टी अटेंड करते हो? यू मीट फ्रेंड, जब भी ऐसा कुछ होता है कुछ पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो आई लव डूइंग दैट, मीटिंग माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन, मैं इतने टाइम से हूँ तो काफ़ी सारे लोग दोस्त और कभी वैसे मिलना नहीं होता। So I think these times are times when you meet, you celebrate and just feel happy. Thank you so much sir. Arun bhai, ek ID de, ek. Arre ID abhi sun chuka hai Barrel ko, kya kehna chahenge? Second anniversary celebrate kar raha hai Barrel, kya kehna chahenge aap? Yeah, bahut hi si yaar, mujhe to lagta hai ki pure andheri aur Bandra tak bhi sab log yahi pe party karne aate hain, sabse crazy party yahi pe hoti hai. Aur main khud main party ka bahut shauk hai aur bahut hi Saturday Sunday mein Barrel aati hai. और 2 साल के लिए कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे बैरल को? कॉन्ग्रेचुलेशन यार, 2 साल 20 साल हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा और खूब आगे वालों खूब आगे वालों और भी क्लब्स खुलते जाएंगे, बैरल मैच खुल गए ये खुल गए और 2-4 और खुलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत कम करता हूँ बट कुछ जगह हैं जहाँ पर जाता हूँ, बस एक ही है। ऐसा कोई गाना है जिसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं मतलब ऐसा पार्टी करता हूँ, है उतना ही गाने आ गए अभी फैमिली बनाया है जो देखा हुआ है, गली सर सेकेंड एनिवर्सरी है, क्या विश करना चाहेंगे बैरल के लिए? ऑल द बेस्ट टू मोर एंड मोर इयर्स टू कम एंड आई हैव बीन टू दिस प्लेस, इट्स अ लवली प्लेस, या एंड वी विल कीप सीइंग दिस प्लेस मोर इयर्स टू कम। अच्छा, गाने से आप काफ़ी रोमांटिक हो लेकिन रियल लाइफ में कितना पार्टी करना पसंद करते हो? एवरेज, ज़्यादा नहीं बट ठीक है, कभी करते हैं पार्टी। कौन से गाने पसंद है आप जब पार्टी करते हैं? ऑल एंड आउट बॉलीवुड। अभी अभी आपका जो गाना था टीना आहूजा के साथ बहुत प्यार मिला है, 13 घंटा को जिस तरह का प्यार मिला था इसको भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी और प्यार भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप और ऑडियंस के लिए कुछ कहेंगे फैंस को? सो हमने गाना रिलीज़ किया है 10 को, प्लीज़ जाइए देखिए और बताइए कैसा लगा।
एंड इट्स गोइंग गुड. थैंक यू सो मच गाइस, जिनने सुना है और शेयर किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और हमने मेहनत से बनाया, आप प्लीज. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? हमेशा ऑडियंस वेट करते रहती है कि आपका गाना कब आएगा, तो कुछ बताना चाहेंगे फैंस? अभी फिलहाल वी आर डूइंग इसका प्रमोशन, अपकमिंग विल बी अनाउंस्ड. थैंक यू सो मच.